मैकाले का विवरण पत्र सन 1835। दोस्तों, इसको समझने से पहले हमें उस समय की भारतीय शिक्षा प्रणाली या व्यवस्था क्या थी उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो आइए बात करते हैं। दरअसल ये बात सन 1813 की है, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक आज्ञा पत्र जारी किया गया, जिसके तहत कंपनी ने भारतीय शिक्षा पर 1 लाख की धनराशि खर्च करने का निश्चय किया। अब यहाँ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन उस शिक्षा का माध्यम क्या हो, किस भाषा को उस शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, इस बात पर कई विवाद उठ गए। तब लोगों के बीच में काफ़ी मतभेद हुआ और सभी लोग दो ग्रुप में बट गए। एक ग्रुप में वो लोग थे जिनका मानना था कि भारत की प्राचीन भाषाएं जैसे संस्कृत, अरबी, फारसी आदि भाषाओं को ही भारतीय शिक्षा प्रणाली या भारतीय शिक्षा का माध्यम बनना चाहिए। तो वहीं दूसरे लोग थे जिनका मानना था कि भारतीय शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा से बेहतर हो नहीं सकता, और वो अंग्रेजी के पक्ष में थे। इस प्रकार 1813 से 1853 तक का 40 वर्षों का समय एक प्राच्य और पाश्चात्य वाद विवाद का समय कहलाता है। दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ प्राच्य का मतलब उन लोगों से है जो भारत की प्राचीन भाषाओं के समर्थक थे और जिनका मानना था कि भारतीय शिक्षा प्रणाली का माध्यम यही प्राचीन भाषाएं होनी चाहिए। और वहीं पाश्चात्य का मतलब उन लोगों से है जो इंग्लिश के पक्ष में थे, मीन्स अंग्रेजी भाषा के पक्ष में थे, और उनका मानना था कि भारतीय शिक्षा प्रणाली का माध्यम अंग्रेजी भाषा को होना चाहिए। तब जून 1833 में लॉर्ड मैकाले भारतीय गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य के रूप में भारत आए, और भारत आने पर तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने प्राच्य और पाश्चात्य विवाद की समस्या को हल करने के लिए मैकाले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति का प्रधान नियुक्त कर दिया। और 7 फरवरी 1835 को मैकाले महोदय ने तत्कालीन शिक्षा संबंधी समस्याओं का अध्ययन करके अपना सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक वितरण पत्र गवर्नर जनरल की काउंसिल में प्रस्तुत किया। लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र में प्राच्य साहित्य व भाषाओं का मजाक उड़ाया और वहीं पाश्चात्य साहित्य व अंग्रेजी भाषा का खुलकर समर्थन किया, और यही लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र की सबसे बड़ी कमी थी। उन्होंने भारतीय साहित्य का मजाक उड़ाते हुए लिखा है कि एक अच्छे यूरोपियन पुस्तकालय की मात्र एक अलमारी भारत और अरबी के संपूर्ण साहित्य के बराबर होगी। और वहीं कुछ लोगों ने मैकाले के इस विवरण पत्र की काफ़ी आलोचना की, लेकिन इसके ही विपरीत कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र की काफ़ी प्रशंसा की, और प्रशंसा करते हुए उन्होंने लॉर्ड मैकाले को भारतीय शिक्षा के मार्ग का पथ प्रदर्शक माना है।